Hello, assalamu alaikum students, welcome once again in our math class, and I hope you all are good and fine. All right, so now we are going to start this class with the exercise of 2.7, and we have started exercise 2.7 in previous classes. Now we are going to continue our exercise 2.7 in this class. Theek hai, तो 2.7 में हमने क्वेश्चन नंबर 5 तक लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था, और लास्ट क्लास में आप लोगों को बता भी दिया था कि कौन कौन से क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं. और अब जो है वो हम आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 से. तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है यहाँ पे बोर्ड पे, और क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं, और हम कोशिश करेंगे कि आज इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसके क्वेश्चन कंप्लीट कर लें. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा देखिएगा, कह रहा है कि भाई a की पावर p अपॉन a की पावर q होल पावर माइनस q माइनस p, a की पावर q अपॉन a की पावर r होल पावर माइनस r माइनस q, a की पावर r डिवाइड बाई a की पावर p होल पावर माइनस p माइनस r. ठीक है, अब देखें हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं, तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है. लिखा हुआ है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग. अब आपकी मर्ज़ी है कि इसको किसी भी मेथड से फॉलो करें. ठीक है, मैं आप लोगों को एक मेथड बताऊंगा, एक और भी मेथड इसका हो सकता है, मतलब दो तीन मेथड से आप इसको चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं. आप लोग को जो मर्ज़ी है वो मेथड यूज़ करें. ठीक है, आंसर जो है वो मैं बता चुका हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 सबका वन ही है. ठीक है, तो आपने इसको सॉल्व करना है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5, 10, 12 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपने इसको भी सही से समझना है, और बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो थोड़ा सा एक दफ़ा समझिएगा. तो क्वेश्चन नंबर 6 देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, 8 और 9 ये एक ही तरह के क्वेश्चन हैं. अगर मैं 6 करा दूंगा तो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप लोग खुद सॉल्व कर सकते हैं, सिर्फ एक हिंट देने पे, गाइड करने पे. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ज़रा सही से समझना, ताकि बाकी के क्वेश्चन आप लोग खुद सॉल्व कर सकें, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9. तो ज़रा देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 हम सॉल्व करने जा रहे हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन की हिंट डालेंगे बेटे, और सॉल्यूशन की हिंट डालने के बाद क्वेश्चन को रिपीट करना है. ठीक है, और आप लोगों ने क्वेश्चन को रिपीट करना होगा. डायरेक्ट मैं फर्स्ट स्टेप से सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग जब ये सॉल्व करना शुरू करेंगे तो, क्योंकि मैं इतना आप लोगों को बता चुका हूँ, इतने क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, क्वेश्चन फिर सॉल्यूशन की हिंट डालेंगे, क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं डायरेक्ट फर्स्ट स्टेप से सॉल्व कर रहा हूँ. ठीक है, अब फर्स्ट स्टेप से सॉल्व करने जा रहे हैं, तो क्या करेंगे आप ज़रा देखिएगा बेटा बोर्ड पर, कि दो मेथड है. एक तो ये कि भाई ब्रैकेट के बाहर वाली जो पावर है, ब्रैकेट के अंदर जो है वो दोनों वैल्यूज़ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर पे अलग अलग अप्लाई करें, और फिर न्यूमरेटर वाली वैल्यू के ऊपर ले जाएं, या फिर पहले ही न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में ले जाएं, और फिर ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई करें. लेकिन हम आसान मेथड की तरफ जाएंगे. ठीक है, वो क्या है कि भाई ब्रैकेट के बाहर वाली जो पावर है, ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ पे बारी बारी अलग अलग अप्लाई कर दें. ठीक है, कैसे ज़रा देखिएगा फर्स्ट स्टेप में, कि ब्रैकेट के बाहर जो पावर है वो आपने न्यूमरेटर पे अलग अप्लाई की, ए की पावर पी पे माइनस क्यू माइनस पी ये पावर अप्लाई की, और नीचे ए की पावर क्यू पे भी ये पावर आपने अप्लाई की माइनस क्यू माइनस पी, फिर मल्टीप्लाई का साइन. यहाँ पे भी ब्रैकेट के बाहर वाली पावर ब्रैकेट के अंदर दोनों वैल्यूज़ पर अलग अलग अप्लाई होगी. ठीक है, आप लोग देख सकते हैं कैसे हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, कि आपने ए की पावर क्यू लिखा और होल पावर जो है वो यहाँ पे अप्लाई कर देंगे, कि जो होल पावर है न्यूमरेटर पे अलग डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई होगी, न्यूमरेटर पे माइनस आर माइनस क्यू, और डिनोमिनेटर पे ए की पावर आर पे भी ये पावर अप्लाई हो जाएगी माइनस आर माइनस क्यू. ठीक है बेटा, फिर ये ज़रा देखिएगा, न्यूमरेटर पे भी ये पावर अप्लाई होगी, डिनोमिनेटर में भी पावर अप्लाई होगी, ए की पावर आर पे भी पावर माइनस पी माइनस आर, और ए की पावर पी पे भी ये पावर माइनस पी माइनस आर अप्लाई हो जाएगी. ठीक है, तो आपने क्या करा कि ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यूज़ जो हैं, ब्रैकेट के बाहर जो पावर है उसको आपने ब्रैकेट के अंदर वाली न्यूमरेटर पे भी अलग अप्लाई किया, ब्रैकेट के बाहर वाली पावर न्यूमरेटर पे अलग अप्लाई हुई, डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई हुई. देखिए न्यूमरेटर पे अलग डिनोमिनेटर पे अलग, इसी पावर को न्यूमरेटर पे अलग अप्लाई किया डिनोमिनेटर पे अलग अप्लाई कर दिया, न्यूमरेटर में अलग ये पावर अप्लाई की डिनोमिनेटर में अलग पावर अप्लाई की. अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब पावर्स आपने सब पे अप्लाई कर दी, तो ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर पावर बाहर पावर, 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 और अंदर पावर ब्रैकेट के और बाहर पावर को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और नेक्स्ट स्टेप पे आ जाएंगे. ज़रा देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है,
जा रहे हैं हम, मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं। ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार, बेस को लिखा, ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार मल्टीप्लाई करें तो प्लस माइनस, पहले पी को माइनस क्यू से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस माइनस, पी को क्यू से मल्टीप्लाई करें पी क्यू, ठीक है, प्लस माइनस, अब पी को माइनस पी से, प्लस माइनस माइनस, पी को पी से मल्टीप्लाई करें तो पी स्क्वायर आ जाएगा, टू पी नहीं, पी को पी से मल्टीप्लाई करते हैं, जिस तरह इसको एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे आपने पी को पी से किया पी स्क्वायर आ गया। अब नेक्स्ट स्टेप देखिए, मतलब नीचे आप डिनोमिनेटर वाली वैल्यू उसको मल्टीप्लाई करेंगे, बेस को एक दफ़ा लिखा और ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करें क्यू स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, क्यू को पी से मल्टीप्लाई करें तो क्यू पी, लेकिन मल्टीप्लाई करके अरेंज करके लिखना होता है, तो क्यू को पी से मल्टीप्लाई किया तो आपने क्या लिख दिया, पहले प्लस माइनस माइनस और क्यू को पी से मल्टीप्लाई किया पी क्यू, ठीक है, अरेंज करके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करके लिख दिया कि जब क्यू को पी से मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके आपने लिख दिया पी क्यू, ठीक है। फिर अब ये मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार, बेस को एक दफ़ा लिखा, ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, क्यू को आर से मल्टीप्लाई करें क्यू आर, प्लस माइनस माइनस, क्यू को क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे बेटे क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, आर को आर से मल्टीप्लाई करें आर स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, आर को क्यू से मल्टीप्लाई करें क्यू आर, ठीक है, आर को क्यू से मल्टीप्लाई करके क्यू आर क्यू, आर को क्यू से मल्टीप्लाई करके आर क्यू लिख सकते थे, लेकिन आपने प्लस माइनस माइनस आर को क्यू से मल्टीप्लाई करके अरेंज करके क्यू आर लिख दिया, ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ए एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, आर को पी से मल्टीप्लाई किया पी आर, प्लस माइनस माइनस, आर को आर से मल्टीप्लाई किया आर स्क्वायर, ठीक है। ए एज इट इज़, ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार मल्टीप्लाई, प्लस माइनस माइनस, पी को पी से मल्टीप्लाई करें पी स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, पी को आर से मल्टीप्लाई करें पी आर, ठीक है। तो आपने क्या करा इस स्टेप में कि ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार मल्टीप्लाई करके लिख दी, अंदर पार बाहर पार मल्टीप्लाई, ब्रैकेट के अंदर पार बाहर पार को आपने मल्टीप्लाई करके लिख दिया, ठीक है। मल्टीप्लाई करके जब लिख दिया तो अब ज़रा देखें कि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में फ्रैक्शन में वैल्यूज आ रही हैं, तो अब क्या करेंगे आप कि न्यूमरेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ रहेगी, जो डिनोमिनेटर में वैल्यू है उसको न्यूमरेटर में शिफ्ट करा देंगे, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को न्यूमरेटर में शिफ्ट करा देंगे, नीचे पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, नीचे पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही, ऊपर जाके मल्टीप्लाई, नीचे पूरी वैल्यू डिवाइड हो रही, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी। और बेटे जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट करते हैं, नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही, ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी, तो उनकी पार की साइन चेंज हो जाएगी। देखें डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ हैं सब नेगेटिव हैं, डिनोमिनेटर में जो भी नेगेटिव वैल्यूज़ हैं सब, मतलब उनकी पार जो है वो सब नेगेटिव है, जब इनको न्यूमरेटर में शिफ्ट कराएंगे तो उनकी पार की साइन चेंज हो जाएगी, इट मीन्स दैट ये जितनी नेगेटिव वैल्यू हैं सारी क्या हो जाएंगी पॉजिटिव, और अगर ये पॉजिटिव होती तो क्या हो जाती नेगेटिव। तो देखिएगा नेक्स्ट स्टेप में कि देखिए जो न्यूमरेटर वाली वैल्यू वो तो एज इट इज़ रहेगी, ए की पार माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर एज इट इज़, फिर ये वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही है, ऊपर आके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, और इसकी पार की साइन भी चेंज हो जाएगी, इसको मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ तो माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी क्यू, तो ऊपर जाके प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है। तो इसको डिनोमिनेटर से उसको जब न्यूमिनेटर में लेके गए तो नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही है, ऊपर आके मल्टीप्लाई हो गई, और जब इसको ऊपर लेके आए तो इनकी पार की साइन नेगेटिव से क्या हो गई पॉजिटिव। अब सेकेंड फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, तो सेकेंड फ्रैक्शन क्या है, ए के ऊपर न्यूमरेटर वाली वैल्यू यहाँ पे एज इट इज रहेगी, ए की पर पार माइनस क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर। अच्छा बेटा देखिएगा बोर्ड पे कि आपने ना फुल कंसंट्रेशन बोर्ड पे रखनी है, ठीक है, अभी आपको अगर किसी स्टेप में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कोशिश करें अभी बोर्ड पे देखें समझें, क्योंकि बार बार मैं चीज़ों को रिकॉल कर रहा हूँ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। आप लोग जब चैट बॉक्स में जाते हैं तो आपके स्क्रीन से लेक्चर चला जाता है, आपको लेक्चर नहीं फिर जो है वो सुनाई देता, तो फिर जो है वो आप जाओगे चैट बॉक्स में जब लिखेंगे तो फिर क्या होगा कि आपका स्टेप जो मैं बता रहा हूँ मिस हो जाएगा, ठीक है। तो आपने पहले क्वेश्चन पूरा समझना है, ठीक है। और हाँ, अगर मैं बोलूँ कि बेटे अब आके चैट बॉक्स में बताएं कि अगर कोई कन्फ्यूजन है तब आपने बताना है, अदरवाइज आपने पूरा कंसंट्रेट करना है बोर्ड पे, कोई स्टेप मिस भी हो जाता है
या कोई चीज़ नहीं समझ में आती तब भी बोर्ड पे देखते रहना, क्योंकि मैं इतना रिपीट कर रहा हूँ तो उससे आपको जो है वो चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, बस बोर्ड पे देखे समझना है जब तक क्वेश्चन कंप्लीट ना हो जाए, ठीक है। अच्छा, अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे। तो ये वाला फ्रैक्शन सॉल्व कर रहे हैं, इस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर वाली वैल्यू न्यूमिनेटर में लिख दी, एज इट इज़ आ जाएगी। अब नीचे डिनोमिनेटर वाली वैल्यू के ऊपर लेके जाएंगे, नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी, नीचे वैल्यू डिवाइड हो रही थी, ऊपर आके क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होगी और इसकी पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज, दोनों नेगेटिव है, ऊपर आके क्या हो जाएंगी, पॉजिटिव, मीन्स आर स्क्वायर भी पॉजिटिव हो गया, कोई साइन नहीं, मतलब प्लस का साइन हो गया, और क्यू आर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो आपने क्या करा, पहले इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया, इस फ्रैक्शन को अब आपने सॉल्व कर लिया, अब तीसरे फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर ले गए तो पावर पॉजिटिव हो गई नेगेटिव से। सेकंड फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ लिखी, डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर लेके गए, ऊपर वैल्यू आके मल्टीप्लाई हो गई, इसकी पावर की साइन नेगेटिव थी, ऊपर आके क्या हो गई, पॉजिटिव। अब थर्ड फ्रैक्शन को सॉल्व करने जा रहे हैं, तो थर्ड फ्रैक्शन की न्यूमिनेटर वाली वैल्यू एज इट इज़ आ जाएगी बेटा, माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर, और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को जब ऊपर लेके जाएंगे तो ऊपर आके वैल्यू क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, और इनकी पावर की साइन क्या हो जाएगी, चेंज, ए एज इट इज, पावर की साइन चेंज, मतलब माइनस पी स्क्वायर से क्या हो गया, प्लस पी स्क्वायर, और माइनस पी आर से प्लस पी आर, माइनस पी आर से प्लस पी आर। तो आपने क्या करा, इस फ्रैक्शन में न्यूमिनेटर वाली वैल्यू को एज इट इज रहने दी और डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ऊपर ले गए तो पावर की साइन क्या हो गई, चेंज, और ये स्टेप आपने जो है वो सॉल्व कर लिया। किस तरह से सॉल्व किया आप लोग देख सकते हैं कि न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज एज इट इज आई, जो मैंने ब्लू से लिखी हुई न्यूमिनेटर वाली वैल्यूज हैं, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को मैंने रेड से लिखा हुआ है, जिनको हम ऊपर लेके गए, डिनोमिनेटर वाली वैल्यूज़ को ऊपर लेके गए, जिनको मैंने रेड से लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं इन सब की पार्ट्स जो हैं वो पॉजिटिव हो गई, पार्ट्स की साइन चेंज हो गई, ठीक है बेटे। ये हमने काम किया, एक दफ़ा ज़रा देखिएगा इसको। अब आपके पास इस स्टेप में जो ए जो है, आप देखें, एक दो तीन चार पाँच छः सिक्स टाइम्स जो हैं वो ए आ रहे हैं, और सब मल्टीप्लाइड फॉर्म में, और सबकी बेसिस मतलब ए है वो सेम है, और सब मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो बेटा जब बेसिस सेम और मल्टीप्लाइड फॉर्म में होती हैं तो पार्ट अगर ऐड हो रही है तो ऐड करा देते हैं, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। अब ज़रा देखिएगा इसको क्या करेंगे। तो अब यहाँ पे इस स्टेप में पार्ट अगर ऐड हो रही है तो ऐड करा देंगे, सब्ट्रैक्ट हो रही है तो सब्ट्रैक्ट करा देंगे। अब ज़रा देखें, ए के ऊपर पार क्या है, माइनस पी क्यू माइनस पी स्क्वायर एज इट इज, ठीक है, फिर ये आ जाएगी पार्ट, बेसिस सिक्स बेसिस है ना, तो बेस को एक दफ़ा लिखा, अब सारी पार्ट्स को मैं आपस में ऐड करा दूंगा, ठीक है। पहली पार्ट ये आ गई, प्लस प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, ठीक है बेटा, प्लस क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू, फिर ये वाली पार आ जाएगी, सेपरेट हो रही है, सेपरेट करा देंगे, माइनस क्यू आर माइनस क्यू स्क्वायर, फिर प्लस आर स्क्वायर प्लस क्यू आर, ठीक है बेटा, फिर माइनस पी आर माइनस आर स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर प्लस पी आर, ठीक है बेटा। तो आप इस स्टेप में देख सकते हैं मैंने क्या किया, थोड़ा सा लंबा स्टेप, लेंथी स्टेप थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है, लेकिन सही से समझना है, मिक्सअप नहीं करना है, कि सिक्स बेसिस थी मल्टीप्लाइड फॉर्म में, इन सिक्स बेसिस को आपने बेस को एक दफ़ा लिखा अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, ठीक है। अगर बेसिस हमारे पास सेम होंगी तो पार्ट्स क्या होंगी, ऐड हो जाएंगी, ठीक है। तो बेस को एक दफ़ा लिखा और सारी पार्ट्स को आपने एक साथ लिख दिया, ये पहली पार्ट लिखी, फिर दूसरी पार्ट ऐड हो रही थी, ऐड करा दिया, फिर सेकंड जो है वो थर्ड पार्ट जो है वो लिखी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिर ये सब्ट्रैक्ट हो रही थी, सब्ट्रैक्ट कराया, फिर ऐड हो रही थी तो ये पार्ट्स ऐड हो गई, फिर ये पार्ट सब्ट्रैक्ट हो रही थी, सब्ट्रैक्ट करा दिया, जो पार्ट ऐड हो रही थी ऐड कराई, जो सब्ट्रैक्ट हो रही थी सब्ट्रैक्ट कराई, एक दफ़ा ए को लिख के सबको एक साथ लिख दिया। अब ये सारी पार्ट्स आपस में सॉल्व कर लेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे ज़रा देखिएगा, माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म, फिर इसी तरह माइनस पी स्क्वायर और प्लस पी स्क्वायर ये दोनों टर्म कैंसिल हो गई बेटे, फिर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर कैंसिल, माइनस क्यू आर प्लस क्यू आर कैंसिल, प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कैंसिल, माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल। ये कैंसिल किस तरह से किया बेटा, ये लॉजिक क्या है ज़रा देखिएगा, अगर आपके पास कोई वैल्यू लिखी हुई है टू माइनस टू, मतलब एक वैल्यू ये देखें कोई साइन नहीं, मतलब प्लस की साइन है, पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो टू माइनस टू आपके पास क्या आता है आंसर, टू माइनस टू जीरो, जीरो कैसे कि प्लस टू माइनस टू सॉल्व हो गया, कैंसिल हुआ और आंसर क्या आ गया, जीरो।
इसी तरह आपके पास जो है वो सेम वैल्यूज थी और एक नेगेटिव थी एक पॉजिटिव, जैसे माइनस पी क्यू और प्लस पी क्यू दोनों सेम है, एक नेगेटिव है एक पॉजिटिव, दोनों को कैंसिल किया। इस तरह सारी सिमिलर वैल्यूज जो दो दफा थी सबको नेगेटिव और पॉजिटिव, ऐसा नहीं कि माइनस पी क्यू कैंसिल नहीं, एक अगर नेगेटिव है दूसरी पॉजिटिव तो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल होगी, जैसे ये प्लस टू माइनस टू कैंसिल हुआ, इसी तरह एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, जैसे प्लस पी आर और माइनस पी आर दोनों सिमिलर हैं लेकिन एक नेगेटिव एक पॉजिटिव कैंसिल। जब सबको कैंसिल कर दिया तो जिस तरह से वैल्यूज कैंसिल होकर आंसर क्या आता है, जीरो। तो तमाम पार्ट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई, आप देख सकते हैं तमाम पार्ट्स कैंसिल हो गई, और तमाम पार्ट्स कैंसिल हो गई तो पार्ट्स सारी कैंसिल होने के बाद आंसर क्या आ गया, पार्ट्स की जगह हम क्या लिखेंगे, जीरो, और एनी बेस रेस टू द पावर जीरो इक्वल्स टू वन। ठीक है, अगर किसी बेस के ऊपर पावर जीरो आ जाए तो वो किसके बराबर होगा बेटे, वन के। और ये आपके पास इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर आ गया। ठीक है बेटे, अब आप लोगों को इंशाल्लाह कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी या नहीं हो रही, अगर अभी भी कोई कन्फ्यूजन है किस तरह से कोई ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ, कोई स्टेप में कोई प्रॉब्लम है, कुछ भी है, तो देन कम टू द चैट बॉक्स एंड राइट ओवर हियर, कम टू द कमेंट बॉक्स एंड राइट ओवर हियर, देन इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी और कंसर्न। ऑलराइट, तो देख लें एक दफ़ा इसको सही से, कॉपी करें, कोई कन्फ्यूजन है तो पूछें, फिर हम आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, इसको ज़रा कॉपी कर लीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलेंगे बेटे। ठीक है भाई, आप लोग कॉपी करें। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 बेटे मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 कि a की पावर x अपॉन a की पावर y, a की पावर y अपॉन a की पावर r इंटू फोर्थ रूट a की पावर r अपॉन a की पावर x, ये क्वेश्चन नंबर 7 मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ अगर आप देखें तो पहली बात तो सबकी बेसिस यहाँ पे भी सेम है और ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अभी आप देखिएगा एक दो स्टेप में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और एक और ख़ास बात कि तीन फ्रैक्शन है, तीनों आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। और तीसरी ख़ास बात कि भाई तीनों जो हैं वो एक ही रूट में लिखे हुए, कौन से, फोर्थ रूट, इस रूट का इंडेक्स क्या है, 4। तो तीनों जो हैं वो फोर्थ रूट में लिखे हुए, तीन फ्रैक्शन हैं मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तीनों जो हैं वो एक ही रूट में लिखे हैं, फोर्थ रूट। बेटा जिस तरह से अगर आपको याद हो एक्सरसाइज 2.3 के अंदर हम एक क्वेश्चन सॉल्व करके आए थे, क्वेश्चन नंबर 3, कि रूट 12 इंटू रूट 12 इनको सॉल्व कैसे किया था, एक रूट में लिखा था, पेयर बना के बाहर लिख दिया, आंसर आ गया। तो बिल्कुल इसी तरह से आपके पास फोर्थ रूट है, ठीक है, और इनके अंदर फ्रैक्शंस हैं और वो तीनों जो हैं वो आपस में मल्टीप्लाइड फॉर्म में, तीनों आपस में तीनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाइड फॉर्म में। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले सॉल्यूशन की हाइट डालनी है और क्वेश्चन को रिपीट करना है, a की पावर x अपॉन a की पावर y, बेस और पावर में जो है वो डिफरेंस होना चाहिए, बिल्कुल नज़र आना चाहिए कि बेस क्या है पावर क्या है, a की पावर y अपॉन a की पावर r, a की पावर r अपॉन a की पावर x। ठीक है बेटे, क्वेश्चन को रिपीट किया, रिपीट करने के बाद आप देख सकते हैं तीनों फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तीनों फ्रैक्शन क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, और तीनों फ्रैक्शन जो हैं वो किस में, फोर्थ रूट में, तीनों फ्रैक्शन फोर्थ रूट में, आप देख सकते हैं तीनों फ्रैक्शन जो हैं बेटे वो फोर्थ रूट में। तो स्क्वायर रूट हो, फोर्थ रूट हो, क्यूब रूट हो,
एक ही रूट है ना, तो मल्टीप्लाइड फॉर्म है सबको जो है वो, अगर मल्टीप्लाइड फॉर्म है तो बेटा एक रूट में लिख देंगे सबको। आपने क्या करा, एक रूट में लिख देना है। क्या है कि ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, इसको भी एक रूट में लिख दिया, ठीक है। इसी तरह ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर आर, इसी तरह ए की पावर आर अपॉन ए की पावर एक्स। आप देख सकते हैं मैंने क्या किया इस स्टेप में कि तीन फ्रैक्शन थे मल्टीप्लाइड फॉर्म में थे और तीनों फोर्थ रूट में थे, तो एक रूट बनाया, फोर्थ रूट एक बनाया और तीनों फ्रैक्शन को ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर आर और ए की पावर आर अपॉन ए की पावर एक्स, सबको जो है वो एक साथ लिख दिया मल्टीप्लाइड फॉर्म में। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन? अगर कोई कन्फ्यूजन है तो चैट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अब आगे चलते हैं तो देखिएगा कि ए की पावर एक्स अपॉन ए की पावर वाई, ए की पावर वाई अपॉन ए की पावर आर और ए की पावर आर अपॉन ए की पावर एक्स। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में ये चीज़ पढ़ के आए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यूज़ हों मल्टीप्लाइड फॉर्म में तो कैंसिल हो सकती हैं, जिस तरह से आप लोग अक्सर इस तरह से पावर सॉल्व करते हुए कि अगर आपके पास 2 की पावर क्यूब है और पावर 1/3 है तो 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल कैसे हो रहा है कि 3 एक्चुअली ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, 1/3 से, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 1/3 से। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हैं जभी तो कैंसिल कर रहे हैं। तो अगर कोई भी फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रहा हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ हों, जैसे ये है कि 2/2 है तो क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ पे भी न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में अगर सेम वैल्यूज़ हैं तो उनको क्या करेंगे, कैंसिल। मतलब जैसे ए की पावर एक्स न्यूमरेटर में, ए की पावर एक्स डिनोमिनेटर में, दोनों को कैंसिल कर दिया मल्टीप्लाइड फॉर्म में ना। फिर ए की पावर आर न्यूमरेटर में, ए की पावर आर डिनोमिनेटर में, सेम मल्टीप्लाई क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं फ्रैक्शन, एक न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में सेम वैल्यू कैंसिल। ए की पावर वाई और ए की पावर वाई न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम वैल्यूज़ क्या हो गई, कैंसिल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम वैल्यूज़ मल्टीप्लाइड फॉर्म में कैंसिल, ठीक है। तो अब जब इनको कैंसिल कर दिया सबको, जिस तरह से 2 को 2 से कैंसिल करते हैं आंसर क्या आता है बेटा, 1, ठीक है। डिवाइड वैल्यूज़ अगर कैंसिल होंगी आंसर 1 आएगा, और अगर जिस तरह से यहाँ पे वैल्यूज़ को कैंसिल किया है, ये सब्ट्रैक्ट हो रही थी, ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही, तो यहाँ पे इस वजह से 0 आया, लेकिन यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जब वैल्यूज़ को कैंसिल करते हैं तब क्या आता है, 1। तो इस वजह से इन सबको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सबको जब कैंसिल किया, तो सबको कैंसिल करने के बाद, इन सबको कैंसिल करने के बाद अंदर रूट के अंदर क्या आ गया, 1, ठीक है बेटा। फोर्थ रूट के अंदर क्या आ गया, 1 आ गया, सबको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल करने के बाद 1। तो फोर्थ रूट हो, क्यूब रूट हो, स्क्वायर रूट हो, 100th रूट हो, कोई भी रूट हो, रूट का कोई भी इंडेक्स हो, अगर अंदर 1 आ जाए बेटे तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। 1 का स्क्वायर रूट चेक कर लें, 1 का स्क्वायर रूट लेके चेक कर लें आंसर 1 आएगा, 1 का क्यूब रूट लेके चेक कर लें आंसर 1 आएगा, 1 का फोर्थ रूट लेके चेक कर लें आंसर 1 आएगा। क्योंकि आपको अगर एक चीज़ याद हो कि 1 के ऊपर पार कुछ भी लगाएं, 1 के ऊपर पार क्यूब लगाएं आंसर 1 आता है, 1 के ऊपर पार जो है वो स्क्वायर लगाएं आंसर 1 आता है। तो बेटा 1 के ऊपर पार, 1 के ऊपर क्या है, फोर्थ रूट, और फोर्थ रूट की पार आपको पता है ना, फोर्थ रूट की पार क्या होती है, फोर्थ रूट की पार होती है 1/4। फोर्थ रूट लगाएं, पार लगाएं, 1/4 बात एक ही है। तो इसके अंदर अगर मैं यहाँ पे 1 लिख रहा हूँ, रूट के अंदर क्या है, फोर्थ रूट के अंदर 1 है, तो फोर्थ रूट हटा के पार लगा दें तो 1 के ऊपर पार 1/4 आ गई। तो 1 के ऊपर पार 1/4 लगाएं, 1 के ऊपर पार क्यूब लगाएं, पार 1 के ऊपर 1000 लगाएं, आंसर क्या आना है, इसका 1 ही आना है। तो इस वजह से हमने इसको सॉल्व किया और सॉल्व करके आंसर क्या आ गया, आपके पास 1 आ गया। आई होप यहाँ तक आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है, और ये आप लोगों का क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, यहाँ तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है बेटे। तो बस यहाँ पे क्लास को एंड करेंगे, बस एक अपना होमवर्क लेते जाएं जाते जाते। कौन सा है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर, वैसे भी ये गूगल क्लासरूम पे जो है वो आपका अपलोड हो जाएगा, लेकिन फिर भी देख लें, ये क्लास में आप लोगों को मिल रहा है होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9, ये होमवर्क है, ठीक है, फेयर में करने। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सेम है, क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल डिट्टो है, बिल्कुल सेम है, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 की तरह देख सकते हैं। यहाँ पे ए की पावर पी और ए की पावर क्यू है, वहाँ पे जो है वो एल और जो है वो एम है, एम और एन है, एल की पावर एम और एन।
तो वो क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 8 तो बिल्कुल सिमिलर है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे क्वेश्चन नंबर 6 किया। क्वेश्चन नंबर 9 भी वैसे होगा, पर क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट 2 से 3 हो गई हैं, 3 टर्म्स आ गई हैं पार्ट में, तो होगा बिल्कुल वैसे ही। लेकिन अगर 9 में कोई कन्फ्यूजन है तो छोड़ देगा, 9 मैं करवा दूंगा। लेकिन आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 की तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 आप लोगों ने होमवर्क में ज़रूर करना है, ठीक है। और 9 जितने लोगों से हो जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं होता उससे भी अच्छी बात है, मैं करवा दूंगा, कोई मसला ही नहीं है, ठीक है भाई। तो क्लास यहाँ पे एंड करते हैं। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई क्यूरी है क्वेश्चन से रिलेटेड, कम टू द चैट बॉक्स एंड राइट ओवर हियर, देन इंशाल्लाह आई विल रिजॉल्व योर क्यूरी एंड योर कंसर्न। ऑलराइट, अपना ख्याल रखिएगा, आज के लिए इतना ही, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।